हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हमारा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया है, जिसमें हम बात करेंगे बची हुई कंसंट्रेशंस के बारे में। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? फोर तरीके। अभी तक हम जानेंगे फोर तरीके, जिनमें दो हमने देख लिए, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। आज हम देखेंगे दो और तरीके, मोलारिटी और मोलालिटी। तो चलो समझते हैं। देखो, मोलारिटी को क्या डिफाइन किया गया? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी काय में, इन लीटर्स, लीटर में लेनी है वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो इस बात को समझते हैं। सर, ये क्या बोल गए हैं? देखो, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर एटलीस्ट दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो कोई भी जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में होता है, इन दोनों में जो कम अमाउंट में है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर? तो अब हमें मोलारिटी का पता लगाना है। तो सपोज करो मैंने एक ग्लास में पानी लिया और इसमें मैंने ग्लूकोज डाल दिया वापस से, और इस ग्लूकोज को डाल के हिला दिया। अब मोलारिटी कैसे निकालेंगे? मोलारिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। अब ये सॉल्यूशन बन गया अपना, ग्लूकोज वाटर बन गया, है ना? अब इसका जब मैं 1 लीटर वॉल्यूम लूंगा तो उसमें ग्लूकोज के कितने मोल्स मिलेंगे? बात समझ में आई? तो इस बात को लिखता हूं मैं, अपने आप समझ में आएगी, अभी देखना। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। उस सोल्यूशन के 1 लीटर में अपन को सोल्यूट के कितने मोल्स मिलेंगे? जैसे अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल 0.2 mNaOH सोल्यूशन, 0.2 mNaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन का मतलब है NaOH और वाटर। ठीक है, NaOH क्या है? यहाँ पे सोल्यूट है। NaOH सोल्यूशन मतलब NaOH और वाटर, NaOH का सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, 0.2 मोलारिटी दे रखी है तो इसका सीधे मुझे मतलब ये समझ में आता है कि इन 1 लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, अगर मैं सॉल्यूशन का 1 लीटर लूं तो देयर विल बी 2 मोल्स, सॉरी 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। यानी कि 0.2 mNaOH सॉल्यूशन अगर हमें दिया है, यानी कि 0.2 mNaOH और वाटर अपन ने मिक्स कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं सॉल्यूशन का 1 लीटर लूँ तो मुझे उसके अंदर कितने मोल्स मिलेंगे NaOH के? 0.2 मोल्स। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ 1 mNaCl सॉल्यूशन, NaCl क्या होता है? सॉल्ट, सॉल्ट और पानी को मिक्स कर दिया तो NaCl सॉल्यूशन। जब भी केवल सॉल्यूशन बोला जाए, मतलब दूसरा वाला जो कंपोनेंट है, जो सॉल्वेंट है, वो वाटर है। ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा तो वो उसका नाम देगा कि क्या चीज़ है। तो NaCl सॉल्यूशन का मतलब कि इन 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का अगर मैं 1 लीटर लूँ तो इसके अंदर कितने मोल NaCl मिलेंगे? 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूशन की 1 मोल NaCl मिलेगा। देयर विल बी 1 मोल NaCl। समझ में आई क्या बात? सिंपल है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स मिलेंगे सॉल्यूट के, कितने मोल्स मिलेंगे सॉल्यूट के, कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन जो होती है वो मोलारिटी ही होती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? चल,
नोट कर लो। हो गया, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं मोलारिटी पे, देखिए हमसे होता है कि नहीं। तुम पकड़ की गड़ी शायद मेरी खाब होगी। हाँ भाई, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ एन ए ओ एच इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग में डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना, ट्राई करो इसे। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले गिवन लिखो और देखो क्या गिवन है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, यानी कि NaOH का मास दे रखा है हमें, तो NaOH के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें गिवन मास किसका दे रखा है, NaOH का कितना दे रखा है, 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 ml और हमसे क्या पूछा जा रहा है, गिवन लिख लिया, अब ये लिखो पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, ठीक है, तो मोलारिटी पूछी जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सर मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो सर सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो दे रखी है पर लीटर में नहीं दे रखी है, तो लीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट लेक्चर में सीखा था मिली का मतलब क्या हो जाएगा, 250 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लीटर। मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो गया 250 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब सर सॉल्यूट कौन है, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सर NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH का सॉल्यूशन है, सॉल्यूट क्या हो गया, NaOH, और सॉल्वेंट कौन हो गया, वॉटर, ठीक है। अब सर NaOH के मोल्स निकालने, तो मोल्स में गिवन मास दे रखा है, गिवन मास वाले कौन सा फॉर्मूला होता है, सर गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास है 4, मोलर मास कितना हो जाएगा NaOH का, NaOH का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर 23 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 1, तो ये हो गया 17 और 23 40। हाँ, कितना अच्छा डेटा है, 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया 0.1। तो मोल्स भी आ गए, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई। अब रख देंगे फॉर्मूले में, तो रखो मोलरिटी आ जाएगी सर 0.1 अपॉन 250 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब ये 10 की पावर माइनस 3 है, ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 250। अब देखो सर पॉइंट हटाएंगे तो ज़ीरो नीचे आएगा, तो इसके नीचे विजिबल है क्या तुम्हें, हाँ सर जीरो नीचे आ गया, तो ये हो गया सर 10 की पावर 3 मतलब 1000 अपॉन 2500। मोलारिटी आ गई 1000 अपॉन 2500, सर 20 से 20 कैंसिल, 52 जे 10, 55 जे 25, तो ये आ गया 0.4। मोलारिटी कितनी है 0.4, और यूनिट क्या हो जाती है मोलारिटी की, ऊपर क्या है मोल्स, नीचे क्या है वॉल्यूम लीटर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, यानी कि हर एक लीटर सॉल्यूशन में NaOH के कितने मोल्स मिलेंगे, 0.4। समझ में आई क्या बात,
ठीक है, क्या किया हमने, देखो इससे ज़्यादा हाईफाई नहीं करेंगे वो क्वेश्चन को, क्या किया उन्होंने मोल्स देने की बजाय मास दे दिया, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके अपन ने मोल्स निकाल लिए, और वॉल्यूम दी मिलीलीटर में तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया। सिंपल, समझ में आया, एक बार चेक कर लेते हैं यही आंसर है क्या। बिल्कुल यही है, ठीक है नोट कर लो। समझ में आया मोलारिटी, समझ में आया क्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक खास बात होती है मोलारिटी की, वो क्या होती है, देखो इसमें वॉल्यूम की एंट्री हुई है ना, अभी तक वॉल्यूम की एंट्री नहीं हुई थी, अपन ने मास परसेंट में देखा था, तो ऊपर मास ऑफ वन कंपोनेंट, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद मोल फ्रैक्शन में देखा था, तो ऊपर मोल्स और नीचे टोटल मोल्स, और मोलारिटी में मोल्स है लेकिन नीचे क्या है, वॉल्यूम। अब हमें एक बात पता है कि सर अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगी, तो मोलारिटी को भी चेंज होना होगा, इसलिए मोलारिटी की बुरी बात होती है। इस बात को लिख लेते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ मोलारिटी, क्या डिसएडवांटेज है कि मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी, हेंस इफ टेम्परेचर चेंज देन मोलारिटी ऑल्सो चेंज। समझ में आया, ठीक है नोट कर लो, डिसएडवांटेज ऑफ मोलारिटी, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी वाली कंसंट्रेशन देख लेते हैं। आखिरी वाली कंसंट्रेशन क्या थी सर, आखिरी वाली है मोलारिटी की बड़ी बहन मोलालिटी। सर मोलालिटी क्यों आया पिक्चर में, क्योंकि मोलारिटी में खराबी आ गई। सर क्या खराबी है मोलारिटी में, मोलारिटी में ये खराबी है कि वो टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज हो जाएगा, मतलब वो सेम सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो कंसंट्रेशन बदलगी। सर ऐसा भी हो सकता है क्या, हो ही रहा है, तो उसी को हम सही करना चाहते हैं, तो हमने एक नई चीज बनाई मोलालिटी, वो था मोलारिटी, यह है मोलालिटी, इतना अंतर, ठीक है। मोलालिटी इसे दिखाते हैं स्मॉल एम से, उसे दिखाते हैं कैपिटल एम, इसे दिखाते हैं स्मॉल एम, तो मोलालिटी को डिफाइन किया गया सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अब आएगा मास, वो भी सॉल्यूशन का नहीं आएगा। देखो यही मोलालिटी की खास बात है कि अभी तक हम नीचे पूरा सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, मास परसेंटेज में भी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट के अलावा जो बचा हुआ है उसका कितना मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी काय में मास लेना है, केजी में, तो इसलिए मोलालिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी भाई मोलालिटी की, ऊपर मोल नीचे केजी, ठीक है। और इसे शॉर्ट में स्मॉल एम से दिखा देते हैं, क्या डिफाइन किया मैंने मोलालिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट काय में केजी में, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है उससे आंसर आ जाएंगे, ठीक है क्लियर है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 किलो सॉल्वेंट में हमने कितने मोल्स डाले हैं सोल्यूट के, ठीक है यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, वहाँ सॉल्यूशन की थी, ठीक है, तो 1 किलो सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट के कितने मोल्स डाले। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है इफ नाइन्टी ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजोल्ड इन
500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके दिखाओ, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। इफ 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्वड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो मोलालिटी अपन को कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन मास लिखेंगे। तो सर ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, आपको कैसे पता सर? जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट। तो गिवन मास दे रखा है सर ग्लूकोज का 90 ग्राम, गिवन मास दे रखा है वाटर यानी कि सॉल्वेंट का 500 ग्राम, और हमसे पूछा जा रहा है मोलालिटी निकालो। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्यूट कौन है सर, सॉल्यूट है ग्लूकोज C6H12O6, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है इन केजी। ठीक है, तो हमें मास ऑफ वाटर दे रखा है 500 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो सर 1000 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 1/2 यानी कि 0.5। तो 0.5 केजी मास तो आ गया भाई केजी में वाटर का। अब हमें मोल्स निकालने हैं इसके, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 90, ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर 12 कार्बन इंटू 6 प्लस 1 हाइड्रोजन का मास इंटू 12 प्लस 6 3 ऑक्सीजन का मास इंटू 6, तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, तो 9 और 1 10 और 7 17 और 180, तो ये हो गया 180 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना था 90, मोलर मास कितना आ गया 180, तो वो अपन ने रख दिया सर। देखो 0 से 0 9 में 9 90 से 18, तो ये भी आ गया 0.5। अब दोनों वैल्यू का रख देते हैं सर, नंबर ऑफ मोल से 0.5, मास अगर हम केजी में बात करें तो वो भी है 0.5, तो मोलालिटी कितनी आ जाएगी सर, 0.5 से 0.5 गया 1 मोल पर केजी, यानी कि 1 केजी वाटर में हमने 1 मोल डाला है ग्लूकोज का। समझ में आई बात? ठीक है, कुछ भी डाउट है, फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है अच्छे से, सॉल्वेंट का मास है ना, टोटल मास नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि तुम दोनों के मास को ऐड कर दो, सॉल्वेंट का मास, और बारीकियों का पता है, कायम रखना है केजी में, तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, वो तुम्हारी दो चीज़ें चेक करते हैं, पहला तुम्हारे फॉर्मूले की पकड़ है या नहीं, और सेकंड उस फॉर्मूले की बारीकी तुम्हें पता है कि नहीं पता है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर एक शानदार क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद एंड करेंगे। हो गया, चल एक बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन करेंगे अब हम, पूरा कंसेप्चुअल खतरनाक तरीके से उसे समझ जाओगे, तो फिर उसे करना सीख जाओगे, तो फिर हर तरीके का क्वेश्चन तुम कर पाओगे। क्या बात कर रहे हो सर, चलो फिर लिखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ 3M सॉल्यूशन, 3M सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको दे रखी है
क्या क्या दे रखा है सबसे पहले लिख लेते हैं। सर डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, और ये 3m क्या है, ये मोलारिटी है। कैपिटल M क्या होता है, मोलारिटी। तो मोलारिटी हमें दे रखी है 3 मोल पर लीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि मोलालिटी क्या है। अब ये क्वेश्चन ना, ये प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मोलारिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर कैसे, समझो बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। देखो मोलालिटी जो पूछिए उसका फॉर्मूला लगा दो। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब सर ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिख रहे हैं, ना मास ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है। अब थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या मशक्कत करनी पड़ेगी, देखो कंसंट्रेशन की क्या खूबसूरती रहती है कि सर वैसा का वैसे सॉल्यूशन आप इतना लो या इतना लो, अगर सेम सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी, ठीक है। उसकी वॉल्यूम आप कितनी बढ़ा लो या कम कर लो, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज करने से कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी वॉल्यूम मान सकते हैं, उससे कंसंट्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी तरफ से कुछ भी वॉल्यूम मान सकते हैं, उससे कंसंट्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो ये चीज़ मान लो कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी मान लो, 1 लीटर मान ली हमने। तुम 2 लीटर भी मान लोगे तो भी वही आंसर आएगा, 3 लीटर भी वो भी वही, लेकिन इजी कैलकुलेशन 1 लीटर से होती है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 1 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन में, ठीक है। अब समझो इस चीज को, सर वॉल्यूम हमने 1 लीटर मान ली, तो मोलारिटी कितनी है, 3 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या समझते हो सर, इसका मतलब ये समझते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है, 3 मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है, 3 मोल। तो क्या सॉल्यूट के मोल मिल गए, हाँ या ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है, 3। तो यहाँ से हमें सॉल्यूट के मोल मिल गए कि सर मोलारिटी है 3 मोल पर लीटर, यानी कि जब भी मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लूँगा तो सॉल्यूट के कितने मोल होंगे उसमें, 3 मोल। इसलिए मैंने 1 लीटर वॉल्यूम ली, जिससे कि मुझे सॉल्यूट के मोल पता चल गए कितने, 3। समझ में आई बात, ठीक है, एक काम तो हो गया। अब सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है NaCl, बाकी तो वाटर है, ठीक है। तो सॉल्यूट है अपना NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl पता चल गए। अब मुझे निकालना है मास, ठीक है, मुझे निकालना है मास। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि एक चीज़ इसमें तुम्हें पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 kg per liter। कितनी होती है, 1 kg per liter। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को पता करने के बाद, पर डेंसिटी तो सॉल्यूशन की दे रखी है हमें, फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि तुम इसे याद रख लो, कभी कभी काम आ जाता है। यहाँ पे हमें डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। सर इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये है, मुझे एक बात बताओ डेंसिटी से क्या समझते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है कि डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, यानी कि सर मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का इज इक्वल टू 1.25, हाँ या ना। हमने कितनी मानी सॉल्यूशन की वॉल्यूम, 1 लीटर, यहाँ क्या यूनिट है, ml। तो अगर मैं 1.25 इज इक्वल टू मास लूँगा ग्राम में और वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर, तो मिली लीटर में कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, क्या 1000 ml हो जाएगी। तो सर 1000 मिलीलीटर में ले ली, 1000 इधर आ जाएगा, तो क्या मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया मुझे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा सर, 1.25 इंटू 1000, कितना आ गया, 1250 ग्राम। ये बात समझ में आई, एक और बार समझते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, इस तरह का बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसे समझ लोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें मोलारिटी दे रखी थी, जब भी मोलारिटी देखे, मोलारिटी पूछे, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी मान लो, 1 लीटर। जैसे हमने सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर मान ली, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने आ गए, 3 मोल, क्योंकि मोलारिटी का मतलब यही होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल, तो ये आ गए। अब हमने 1 लीटर
वॉल्यूम मान ली, उससे हमें फायदा ये भी हुआ कि अब हमें सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। कैसे? डेंसिटी पता है कि यार 1 ml में इतना ग्राम मास है, 1 ml में इतना ग्राम मास है, तो 1000 ml में कितना होगा? सर इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन का भी मास आ गया। समझ में आई ये बात? सॉल्यूशन का मास आ गया और मोल्स आ गए। लेकिन सर अपन को तो सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है, यानी कि अपन को सॉल्यूशन का मास पता है लेकिन निकालना सॉल्वेंट का है, तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे? सर एक काम करते हैं ना, सॉल्यूट का निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन में से माइनस कर लेते हैं, तो क्या सॉल्वेंट का मास आ जाएगा? भाई सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्यूशन बना है सर दो चीज़ों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सपोज करो मुझे निकालना है सॉल्वेंट का मास, तुमने निकाल लिया, सॉल्यूशन का आया 1000, सॉल्यूट का तुमने मास निकाल लिया 400, तो बताओ सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 600। बात समझ में आई? तो हमने सॉल्यूशन का निकाल लिया, अब मुझे सॉल्यूट के मोल्स पता है, तो क्या मैं सॉल्यूट का गिवन मास भी निकाल सकता हूँ? सर फॉर्मूला लगा देते हैं, सर गिवन मास ऑफ NaCl अपन मोलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 3। अब गिवन मास NaCl का हमें निकालना है कि कितना है भाई, मोलर मास कितना हो जाएगा? सर जो भी है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो NaCl का मोलर मास कितना हो जाएगा? सर सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, यानी कि ये हो गया 58.5। तो कितना हो जाएगा री? सर ये हो जाएगा 5 × 15 केरी 175.5 ग्राम। सोल्यूट का मास आ गया, सोल्यूट का मास आ गया, सोल्यूशन का मास पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 1250 माइनस सॉल्यूट का कितना है? 175.5। तो कितना आ जाएगा भाई? कर लेते हैं माइनस 1250 माइनस 175.5 547, तो ये आ गया 1074.5 ग्राम। और इसे काय में कन्वर्ट कर लेंगे? केजी में। इसे जैसे ही केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.0745 केजी, 3 से पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, अब मोलालिटी में रख दो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 3। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1.0745। इसे सॉल्व करोगे तो मोलालिटी आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, एक और बार समझो पूरा क्या किया हमने, ठीक है। कोशिश करो बिल्कुल आएगा समझ में। क्या किया हमने? हमें दे रखी थी डेंसिटी, मोलारिटी, और पूछा गया था मोलालिटी के, मोलालिटी निकालो। तो हमने क्या करा, सॉल्यूशन की वॉल्यूम मान ली 1 लीटर, उससे मोल्स आ गए हाथों हाथ सॉल्यूट के, क्योंकि मोलारिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट के मोल्स आ गए। इसके बाद हमें ज़रूरत थी सॉल्वेंट का मास निकालने की, हमें दे रखी है डेंसिटी, तो डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का मास हम निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमें पता चल गई। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास आ जाएगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास आ गया। अब सॉल्यूशन का मास आ गया, इसके बाद हमने सॉल्यूट का मास निकाल लिया मोल्स की मदद से, मोल्स की मदद से सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूशन का आ गया, सॉल्यूट का आ गया, तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का हटा दो तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ गया, फॉर्मूले में रखा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्योर कंसेप्ट बनाएगा ये आपका, ठीक है। चलो चैप्टर फिनिश, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तब तक के लिए बाय बाय।